नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। इंदौर के महू रेलवे स्टेशन से सैलानियों के लिए महू कालाकुंड के बीच हेरिटेज ट्रेन शुरू हुई तो लोगों ने बेहद उत्साह देखने को मिला। बता दें कि एक दिन में 70% ऑनलाइन टिकट बुक किए गए। कोरोना के चलते पूरे देश में ट्रेनों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर के बाद ट्रेनों का पुनः संचालन शुरू किया गया है और महू में सैलानियों के लिए पाताल पानी और कालाकुंड के लिए हेरिटेज ट्रेन गुरुवार को सुबह 11 बजे रेलवे के सीनियर डीसी सुनील कुमार मीणा ने हरी झंडी दिखाकर हेरिटेज रवाना कर दिया। मीणा ने बताया कि महू स्टेशन से पिकनिक स्पॉट पाताल पानी कालाकुंड तक ट्रेन का संचालन किया जाएगा, जिससे सैलानियों को पिकनिक स्पॉट तक आसानी से पहुंच सकेंगे और पिकनिक स्पॉट का लुफ्त उठा सकेंगे। दो साल तो नहीं हुए, करीब करीब 1.5 साल होने वाला है और हमारी पूरी कोशिश थी कि इस ट्रेन को पहले ही चला दिया जाए, लेकिन जैसा आपने देखा फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव आ गई और अब थर्ड वेव की भी कुछ अनुमान लग रहे थे, पर हमें लगा कि मौसम जो है अपना बरसात का ये हेरिटेज के लिए बहुत अनुकूल रहता है, तो हमने इसी वजह से सभी तरफ बात करके एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेके और सभी लोगों का सहयोग रहे, आप भी इन लोगों को बताएं सब अपने प्रिकॉशन ले कोविड के, और उस तरीके से ये ट्रेन चलाई है और इसमें आप सभी का साथ रहेगा तो लंबे टाइम तक चलेगी। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। आगरा के पिनाहट चंबल नदी का मामला सामने आया है। बता दें कि नदी का जलस्तर 136 मीटर पर पहुंच गया है, तो वहीं चंबल नदी का जलस्तर 2019 में 136.1 और 1996 में 136.60 पर पहुंची, जिस दौरान क्षेत्र में बाढ़ के चलते बाह और पिनाहट के 40 गांव प्रभावित हुए थे, जबकि 10 गांव बढ़ते जलस्तर में पूरी तरह से डूब गए थे। इस साल भी पानी की बढ़ती रफ्तार ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है। पिनाहट के उमरैठा पूरा गांव में बाढ़ के पानी ने ग्रामीणों की जिंदगी अस्त व्यस्त करके रख दी है। पुलिस और ग्रामीण रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाढ़ में फंसे पीड़ितों को बाहर निकालकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा रहे हैं। आगरा से केकेडी न्यूज संवाददाता राम सेवक धाकरे की रिपोर्ट। महाराजगंज क्षेत्र के गद्दोपुर ग्राम सभा से कोटेदार मोनू गुप्ता द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन बांटा गया। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते कई राज्यों में अभी भी लॉकडाउन जारी है, जिसके चलते आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक खाने को तरस रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मुहिम का आरंभ हुआ। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लगभग कब से चालू है, आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं नहीं कब से चालू है ये? जौनपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता अरमान हुसैन की रिपोर्ट। जनपद अमरोहा की चारों तहसील में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान के बाद सपा के राष्ट्रीय सचिव कमाल अख्तर और पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सदर विधायक महबूब अली ने साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साथ ही साइकिल पर सवार होकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ शहर के मुख्य चौराहों पर साइकिल यात्रा निकाली, जिस दौरान सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री ने राजभर और ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। सत्ता के खिलाफ और जिस तरह आवाज में आने की तुम्हारी आईडी कहाँ है? देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई, भ्रष्टाचार, लोगों को बेरोजगारी और ऐसे मुद्दे जो किसानों के खिलाफ हैं, उनके विरोध में ये साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंचायत चुनाव के अंदर खुला प्रशासन और पार्टी का उपयोग किया, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को तरह तरह से गुमराह कर रही है। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बांदा में राम मंदिर के एक वर्ष पूरे होने के मौके पर रथ यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि ये यात्रा रामनवमी बाल युवा कमेटी द्वारा आज खपटिया कला में निकली, जिसमें कलश यात्रा और संस्कृत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। नाम है अर्जुन सिंह चंदे। किस तरह से यात्रा निकाली जा रही है? राम मंदिर स्थापना दिवस की वर्षगांठ आज प्रथम वर्ष हुआ है, उसके उपलक्ष्य में शुभ शोभा यात्रा एवं भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की
बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया। और खबरों की दुनिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।